शो फजल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आज उसने फिर ये मौका हमें दिया है ताकि हम उसके कलाम की बाबरकत बातों पर गौर कर सकें और देखें जाने तजर्बा करें उसकी मोहब्बत का उसकी शिफा का उसकी निजात का उसकी तमाम रूहानी और जस्मानी बरक़ात का जब हम इल्हामी कुतुब का मुताला करते हैं तो इन तमाम चीज़ों से लुफ़ानंदोज़ होने के लिए पाने के लिए हमें तरीकाकार और राह भी बताई गई है जब हम ज़ुबूर जो हज़रत दाऊद से मंसूब हैं उनका मताल करते हैं तो लिखा है कि खुदा तनहा को ख़ानदान बख्शता है और उस ख़ानदान से फिर मुआरे वजूद पाते हैं और मुआरों से कम्यूनिटीज़ बनती हैं और फिर अकवाम हमें इस दुनिया में नज़र आती हैं खुदा का कलाम खुदा तन्हा को ख़ानदान बख्शता है और फिर तमोथियज़ के में लिखा है कि खुदा ख़ानदानों का खुदा भी है तो खुदा का, का काम शख्सी ज़िंदगी में और फिर एक शख्स के ख़ानदान में फिर जिस इलाके में वो रहता है रिश्तेदार हैं कम्युनिटीज़ हैं उनमें और फिर अकवाम और पूरी दुनिया में इस ताल्लुक़ से जब हम इस्लामी तालीमात का मुतालिया करते हैं और मसीही तालीमात का मुतालिया करते हैं तो हम एक शख्सियत से मुतारफ़ करवाया जाता है जिनके बारे में अकीदा इस्लाम में वो ज़िंदा हैं अक़दा मसीहत में वो ज़िंदा हैं और जब वो इस ज़मीन पर थे तब खुदा की ये मोहब्बत के वो शख्सी तौर पर इन इंसानों में दिलचस्पी रखता है उनकी बेहतरी भलाई और फलाह के लिए नजात के लिए शिफा के लिए ज़िंदगी के लिए वो सब कुछ करता अपने तरीक़ाकार इंसानों पर आया करता खोलता और इंसान उससे फैज़ पाते इस्लाम और मसीहत में खुदा आपकी शख्सी जिंदगी में आपकी खानदानी जिंदगी में हजूरमसी के वसीला से यसु मसीह ईसा मसीह के वसीला से वो तमाम इंसानी जरूरियात रूहानी हों या जसमानी हूं मसीह के वसीला से यह किस तरह से होता था अगर आप पुराने अहदनामा की आखिरी किताब को देखें मलाकी की किताब है और जब वो मसीह यीशु मसीह के तालुक से पेश दुनिया तक पहुंचाते हैं तो चौथे बाब में दूसरी आयत में इस तरह से लिखा है आज भी जितने लोग पूरी दुनिया में हैं ये हकीकत वैसे ही अटल है जैसे उस वक्त थी लिखा क्या है लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताजीम करते हो जो मेरे लोग हो आफ्ताब सदाकत ताले होगा सच्चाई का सूरज तशबी है ताले होगा सूरज जब निकलता है उसकी शुआए रोशनी सबूत तारीख अंधेरी रात जो है सूरज की पहली किरण उस रात के अंधेरे में दाखिल होती है और फिर जब वो आबोताब से चमकना शुरू हो जाता है तो उसकी किरणें तारीखी को दूर कर देती हैं अब यहां पर लिखा है आफ्ताबे सदाकत ताले होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी सूरज से किरने निकलती हैं और सबूत यह कि अंधेरा दूर हो जाता है सबूत कि वो आफ्ताब सदाकत कौन होगा जिसके किरणों में जिसकी हजूरी में जिसके आने से लोगों को क्या मिलेगी शिफा मिलेगी और फिर यही बात हमें यसाया की किताब के इकसठ बाब में और फिर लूका की किताब के चौथे बाब में मिलती है उसकी किरणों में शिफा होगी कि वो जहाँ भी जाएगा उसमें से शिफा निकलेगी जैसे सूरज की किरणें रोशनी अंधेरे को दूर करती है ये बीमारियों को उसकी हज़ूरी से उसकी कुदरत से दूर किया जाएगा जहाँ भी वो जाएगा और जब यसाया की किताब को हम देखते हैं हवाला मैंने आपको बताया इक्सठ बाब है और फिर लूका की अंजील है चौथा बाब यहाँ पर लिखा है फिर यसु रूह की कुवत से भरा हुआ गलील को लौटा और सारे गिरदोनवाह में उसकी शोहरत फैल गई और वह उनके इबादत ख़ानों में तालीम देता और सब उसकी बड़ाई करते रहे और वह नासरत में आया जहाँ उसने परवरिश पाई थी और अपने दस्तूर के मुआफ़ सब्बत के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ यसाया नबी इकसठ बाब ये इकतबास लूका की अंजील में <coughs> और यसाया नबी की किताब उसको दी गई और किताब खोल कर उसने वो <coughs> मकाम निकाला जहाँ ये लिखा था कि खुदामंद का रू मुझ पर है वसीला शिफा खुदा का रू मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे ग़रीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बनाई पाने की खबर सुनाऊँ कुचले हुओं को आज़ाद करूँ और ख़ुदामंद के साल मकबूल की मनादी करूँ फिर वो किताब बंद करके और खादिम को वापस देकर बैठ गया और जितने इबादत ख़ाना में थे सब की आंखें उस पर लगी थीं और वो उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ मलाकी की किताब उसमें से शिफा निकलेगी और यहां पर हम देखते हैं कि खुदा करू मुझ पर है ताकि मैं अंधों को बनाई पाने की कुचले हुओं को आजाद करने की कोड़ी है। ला इलाज अमराज में मुब्तला लोग हैं सूरह अल माईदा 109 सूरह अल इमरान 96 आयत यही बात हुजूरुल मसीह के तालुक से अगर आप कुरान को मानते हैं तो वहां पर आपको मिल जाएगी ताकि आज आप जान सकें कि जिस शख्सियत के तालुक से आप पढ़ते हैं आपने सुन रखा है उनके वसीला से क्या क्या बरकत मिलती थी और फिर इसी लूका की जील के पांचवें बाब में अगर हम आ जाए तो यहां पर लिखा है जब वो शहर में था तो देखो कोर्ट से भरा हुआ एक शख्स एक आदमी यीशु को देखकर कर मुंह के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके कहने लगाया खुदामंद अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है कोड़ एक ला इलाज मर्ज था उस दौर में और इसकी जो ज़्यादा हौलनाक हालत थी वो इस ताल्लुक से थी कि कोड़ी इंसानी माशरे में जहाँ आम लोग रहते थे रह नहीं सकता था शहर से बाहर इनकी बस्तियाँ होती थी लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि वो जो माशरे से कटा हुआ है बीमारी ला इलाज है यसु के पास आया है इस बात को याद रखिए कि यसु के पास आना उसकी जिंदगी की तब्दीली का सबब बन गया है देखते हैं आगे क्या लिखा है अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है उसने किसने यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा और फौरन उसका कोड़ जाता रहा यह ये है यीशु मसीह की कुदरत यह ये है येशु मसीह का प्यार यह ये है येशु मसीह की शफकत यह ये है येशु मसीह जो आज भी तमाम उन लोगों से जो किसी भी तरह से मायूसी का शिकार मुआशर से कटे हुए हैं कोई अहमियत नहीं जिंदगी <laughs> मिजरेबल है खौरनाक है कोई उम्मीद नहीं है ला इलाज मर्ज है यसु ने उससे कहा तू पाक साफ हो जा फौरन उसका कोड़ जाता रहा फौरन ये है ईसा मसी ये सुमसी जो जिंदा है और आगे हम पढ़ते हैं लिखा है और उसने उसे ताकीद की कि किसी से ना कहना बल्कि जाकर आपने काहिन को दिखा यह दस्तूर था अगर कोई कोड़ी शिफा पाता है तो वो पहले काहिन के पास जाए वो उसको पाक साफ डिक्लेयर करे फिर वो कम्युनिटी में एक्सेप्टेड था कम्युनिटी में उसे दोबारा कबूल किया जाता था जा काहिन को दिखा और जैसा मूसा ने मुकर किया है अपने पाक साफ हो जाने की बाबत नज़र गुजरान ताकि उनके लिए गवाही हो फिर वो नज़र लेकर जाता था है कल में और वो गवाही थी कि वो पाक साफ हो गया है आगे हम देखते हैं ये इसलिए मैं बता रहा हूं पस मंजर कि आप जान सकें कि खुदा मंद ला इलाज अमराज हों आप माशरे से कटे हुए हैं हट चुके हैं किसी आइसोलेटेड वार्ड में पड़े हुए हैं आप अकेले हैं आपके लिए कोई उम्मीद नहीं है एक उम्मीद जहान है और उसका नाम यस्सु मसीह है आगे लिखा है लेकिन उसने जाकर चर्चा आ, किया चर्चा ज़्यादा फैलाया और बहुत से लोग जमा हुए कि उसकी सुने और अपनी बीमारियों से शिफा पाए। मगर वो जंगलों में अलग जाकर दुआ किया करता था और एक दिन ऐसा हुआ कि वो तालीम दे रहा था और फरीसी और शरा के मम बैठे थे जो गलील के हर गांव और यहूदिया और यरूशलेम से आए थे और आगे लिखा है खुदा की कुदरत शिफा बख्शने को उसके साथ सु मसीह खुदा की कुदरत का जहूर उल्ला खुदा का कलिमा मुतकल्लम और कलमे को आप कैसे जुदा कर सकते हैं और फरमाने कुरआन बहुत वाजा है वाजहे है और मसीह फरमाते हैं इस बात को वाजे करने के लिए कि मैं बाप में से निकला हूं और मैं ही मुजस्सम खुदा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा खुदा की पहचान उसकी सफात से है और यीशु मसीह ला इलाज इमरास कौन कर सकता है वक्त खुदा और यीशु मसीह साबित करते हैं कि तमाम दुनिया का इख्तियार उनके पास है और इस जमीन पर यीशु मसीह खुदा की मोहब्बत नजात और शिफा खास के लिए खानदानों के लिए अकवाम के लिए अजीजों आज भी हमें इन बातों को समझने की जरूरत है और यह कैसे होता था आइए अब मैं आपको अनाजील में से चंद और दीगर कुतुब में से चंद वो हकाइक जो शख्स जिंदगी और खानदान की जिंदगी को बदलने के ताल्लुक से हैं आपके सामने रखता हूं अगर आप यूहाना की अंजील में आ जाएं तो आपको चौथे बाब में लिए चलता हूं और उसकी छियालीसवीं आयत यहां पर एक अफसर है और उसके बेटे के ताल्लुक से है जो बीमार है तो आइए मैं आपके सामने पढ़ता हूँ बस वो फिर काना गलील में आया जहाँ उसने पानी को मैं बनाया था और बादशाह का एक मुलाजम था जिसका बेटा कफर नहूम में बीमार था बादशाह का मुलाजम अफसर है वहाँ पर और उसका बेटा बीमार है आगे पढ़ते हैं और ये सुनकर कि यसु यहूदिया से गलील को आ गया है उसके पास आया और उससे दरखास्त करने लगा कि चल कर मेरे बेटे को शिफा बख्श क्योंकि वो मरने को है गौर कीजिए जैसे आज आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं इसने सुना कि यसु मसीह यहूदिया से गलील में आया है आज आप सुन रहे हैं आप देख रहे हैं यसु मसीह के ताल्लुक से यह शख्स इसका बेटा बीमार है मुश्किल है मरने के करीब है लेकिन उसने सुना क्या है उसने सुना था यीशु मसीह ईसा मसीह के पास ऐसी कुदरत है कि वो बिना इम्तियाज तमाम लोगों तक अपनी कुदरत अपनी मोहब्बत, अपनी शफकत को पहुंचा देता है और जब इसने सुना तो सुनकर वो अमल वो मसीह के पास आया अमली कदम उठाया और दरखास्त करने लगा कि चल कर मेरे बेटे को शिफा बख्श क्योंकि वो मरने को था यस्ु ने उससे कहा जब तक तुम निशान और अजीब काम ना देखो हरगिज ईमान ना लाओगे बादशाह के मुलाजिम ने उससे कहा ऐ खुदामंद मेरे बच्चे के मरने से पहले चल यस्सु ने उससे कहा जा तेरा बेटा जीता है सु ने कहा यसु आपसे क्या कहता है अगर आप मसीह के ताल्लुक से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की तालीमात को देखें तो वो कहते हैं एक ही हस्ती है जिनके वसीला से खुदा कलाम करता था करता है और करता रहेगा इस्लामी तालीम के मुताबिक और यहां पर लिखा यसु ने उससे कहा यसु आपसे भी हम कलाम होगा चूंकि मेरा यसु मसी नासरी जिंदा है। और यहां पर हम देखते हैं यशु ने उससे कहा जा तेरा बेटा जीता है उस शख्स ने इस बात का यकीन किया यशु ने जो कहा उसने इस बात का यकीन किया और फिर आगे लिखा है यकीन किया जो यशु ने उससे कही थी और चला गया और रास्ते में था कि उसके नौकर उसे मिले और कहने लगे तेरा बेटा जीता है उसने उससे पूछा उसे किस वक्त आराम होने लगा उन्होंने कहा कल शाम घंटे में उसकी तप उतर गई पास बाप जान गया कि वही वक्त था जब यीशु ने उसे कहा था तेरा बेटा जीता है गौर कीजिए फिर आगे क्या हुआ और वो खुद और उसका सारा घराना ईमान लाया बेटे की शिफा सु मसी को नजात दहिंदा खुदामंद कबूल करके हमेशा की जिंदगी पाली अब ये यसु मसीह उस इलाके में आए सुना अमली कदम उठाया और मोजा शिफा और जिंदगी पाली नजात पाली आगे हम देखते हैं इसी ताल्लुक से अमाल की किताब अठारवें बाब में हम चलते हैं और यहां पर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह के, के शागिर्द जब इस जगह पर पहुंचते हैं तो यहां पर भी हमें एक वाकया नजर आता है अमाल की किताब है अठारवा बाब है और यहां पर लिखा है और जब सैलास और तमोथियस मकदूनिया से आए तो पालूस कलाम सुनाने के जोश से मजबूर होकर यहूदियों के आगे गवाही दे रहा था कि येशु ही मसीह है कुरान में दोनों नाम आए हैं यस्सु मौलवी फरोजुल्दीन कहते हैं गुनाहों से नजात देने वाला और मसीह अलग किया हुआ नजात के काम के लिए आगे लिखा है जब लोग मुखालफत करने और कुफर पकने लगे तो आपने अपने कपड़े फाड़ कर उनसे कहा तुम्हारा खून तुम्हारी गर्दन पर हो और आगे फिर लिखा है मैं पाक हूँ आपसे गैर कौमों के पास जाऊँगा बस वहाँ से चला गया और तीतस और युस्तस नाम एक खुदा परस्त घर के घर के गया जो इबादत खाने से मिला हुआ था और आगे है और इबादत खाने का सरदार बहुत से और बहुत से क्रंथी क्रंथिस के रहने वाले सुनकर ईमान लाए और बपतिसमा लिया जैसे मैंने पहले अर्ज किया था शख्सी तौर पर खानदान के तौर पर यहाँ पर कम्युनिटी हमें नज़र आ रही है क्या लिखा है इबादत खाने का सरदार करिस अपने घराने समेत खुदावंद पर ईमान लाया और बहुत से क्रंथी सुनकर ईमान लाए और बपतिसमा लिया यहाँ पर बहुत वाज बात हमें नजर आती है यीशु मसीह और फिर यीशु मसीह के बाद उनके शागिर्द जब कलाम सुनाया जाता है यीशु मसीह के ताल्लुक से बताया जाता है मौलवी फरोजुल्दीन ने बहुत वाजे लिखा फरोज़ुललात नौ सौ बासठ सफ़े पर और कुरान की जो आयात आपके सामने रखी गई हैं और फिर दीगर आयात में हवारी उनके शागिर्द उनके सहाबा बहुत से लोग उन पर ईमान लाए शिफाएँ पाई नजात पाई आज़ाद हुए और सूल अल इमरान पचपन ये क़यामत तक जारी रहेगा सु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा हैं अब ये जो मैंने आपके सामने हवाला जात रखे हैं इन्हीं के हवाला जात की जो तस्दीक है वो अमाल की किताब उसके तीसरे बाब और उसकी छब्बीसवीं आयत में इस तरह से लिखा है बल्कि मैं चौबीसवीं आयत से पढ़ता हूं बल्कि सैमुएल से लेकर इस्लाम में अगर आप अंबिया इकराम के अहवाल उनके नाम देखें तो आपको खुदा के बंदे सैमुएल का नाम भी मिलेगा तो गौर से सुनिए इस आयत को इन आयत को बल्कि सैमुएल से लेकर पिछ, पिछलों तक जितने नबियों ने कलाम किया उन सब ने इन दिनों की खबर दी जैसे मैंने मलाकी की किताब से आपके सामने रखा आफ्ताब सदाकत आल होगा यसाया की किताब इकसठ बाब लूका की अंजील चौथे बाब में फुलफिलमेंट आपके सामने रखी अब यहाँ पर लिखा इनकी खबर दी किसकी खबर दी आइए देखते हैं <coughs> तुम नबियों की औलाद और उस अहद के शरीक हो जो खुदा ने तुम्हारे बाप दादा से बांधा जब इब्राहिम से कहा कि तेरी औलाद से दुनिया के सब घराने बरकत पाएंगे इब्राहम खुदा के बंदे इब्राहम से अहद बांधा और उस अहद की तकमील कहाँ पर है वो आपके सामने रखता हूँ खुदा ने अपने खादिम को उठा कर पहले तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम में से हर एक को उसकी बदियों से हटाकर बरकत दे और इस बरकत में आफ्ताब शुदा का ताले होगा उसकी किरणों में शिफा होगी और यीशु मसीह नजात दहिंदा यीशु मसीह शाफी अकेला शख्स हो या खानदान हो या पूरी कम्युनिटी हो या अकवाम हो या पूरी दुनिया हो आज भी अकीदा इस्लाम और अकीदा मसीहत के मुताबिक यीशु मसीह जिंदा हैं आज वो ये जो हवाला जात हमने पढ़े हैं क्या आज भी ऐसा होता है हमारे साथ भाई गुर जीत सिंह हैं उनके साथ बात करते हैं तो कुछ तकनीकी खराबी है जिस वजह से शायद अभी हम उनको नहीं ले सकते तो मैं आपको एक और आयत आपके सामने रखना चाहता हूं। इन हवाला जात में हमने ये देखा कि लोगों ने कलाम सुना और मैं आपको रोमियो का ख़त और उसके पहले बाब में बताता हूं और फिर हम एक और वाकया देखेंगे रोमियो का ख़त है उसका पहला बाब है और जो लोग दिलचस्पी रखते हैं बाइबल को पढ़ने में ये उनके लिए है कि इस कलाम के अंदर जब कोई इस कलाम को सुनता है तो फिर इस कलाम के अंदर क्या कुदरत और ताकत पाई जाती है और जब कोई इस कलाम को सुनता है तो वो ताकत उसके लिए क्या तब्दीली क्या उसके लिए बरकत क्या उसके लिए रूहानी और जस्मानी आसमान से आने वाली बरकत के दर खोल देती है ये हमें रोमियो का खत पहला हैंजील का मतलब है खुशखबरी और खुशखबरी क्या है खुशखबरी फरिश्ते ने कहा था तुम्हारे लिए एक मुनजी एक निजात दहिंदा पैदा हुआ है बैतलहा में और फरिश्ते ने कहा था उसका नाम येसु रखना जब कोई यह शख्स खुशखबरी सुनता है कि यीशु नजात हिंदा है यीशु शाफी है तो फिर होता क्या है लिखा है क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं इस खुशखबरी से शर्माता नहीं इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते गौर कीजिए पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते नजात के लिए खुदा की कुदरत है मैं अंजील से शर्माता नहीं मुझे शर्म नहीं ऐसे दौर की बात हो रही है जब गुनाहों से निजात पाने के लिए बहुत से फलसफे मौजूद थे बहुत सी तालीमात मौजूद थी जैसा कि आज भी है और पालूस रसूल खुदा का बंदा इस बात को खोलता है कि इंसानों के लिए खुशखबरी को सुनना यीशु मसीह की कदस के तलुक़ से जानना कितना ज़रूरी है और जब उनको बताया जाएगा तो फिर लिखा है कि वो चाहे यहूदी हों जो शरीयत को मानने वाले हैं यूनानी हों जो मुख्तलिफ़ फलसफों को मानने वाले हैं और लिखा है सब के वास्ते नजात के लिए खुदा की कुदरत है जब यसु मसीह के ताल्लुक़ से बताया जाता है तो मैं आपको अमाल की किताब के में बाब में लिए चलता हूँ जहाँ पर हम एक और अब जो कलाम के सुनने से निजात आती है उसका ज़िक्र हमें मिलता है ये अमाल सोलहवा बाब है और उसकी ग्यारहवीं आयत में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और फिर हम हमारे साथ मेहमान हैं उनसे बात करेंगे और यहाँ पर लिखा है सोलवा बाब है और ग्यारहवीं आयत है जो मैंने आयत आपके सामने रखी जब लोग कलाम सुनते हैं जैसा आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं यहां पर लिखा है पस तरवा से जहाज पर वाना होकर हम सीधे सम्रा के सुम्त्रा के में और दूसरे दिन न्यापुलस में आए और वहां से फिलिप्पी में पहुंचे जो मकदूनिया का शहर और उस किस्मत का सदर और रोमियों की बस्ती है और हम चंद रोज उस शहर में रहे ये पालूस रसूल लिख रहे हैं और सब्बत के दिन शहर के दरवाजा के बाहर नदी के किनारे गए जहां समझे कि दुआ करने की जगह होगी और बैठकर उन औरतों से जो इकट्ठी हुई थी कलाम करने लगे कलाम किया यसु मसीह शिफा देता है यसु मसीह गुनाहों से मुआफी और नजात देता है यसु मसीह हमेशा की जिंदगी देता है ये कलाम करने लगे और थवाथीरा शहर की एक खुदा परस्त औरत पहले हमने मर्दों का अहवाल देखा अब हम यहां पर खवातीन की नुमाइंदगी देख रहे हैं खवातीन में से लिखा है और थवाथीरा शहर की एक खुदा परस्त औरत लुदिया लिदिया नाम कर, किरमस बेचने वाली भी सुनती थी एक खातून सु मसीह के तालुक से सुन रही हैं आज इस शो को भी बहुत सी बहनें सुनेंगी देखेंगी उसका दिल खुदामंद ने खोला मेरी दुआ है जब आप इस शो को देखते हैं मसीह के तालुक से सुनते हैं खुदामंद आपके दिल को खोले दिल खोला ताकि पालूस की बातों पर तवज्जो करे आज भी इंसानों को यसु मसीह की बात जब उन तक पहुंचती है थोड़ी देर के लिए तवज्जो करने की सोचने की जरूरत है और आगे लिखिए जब आगे लिखा जब उसने तवज्जो की सुना और रोमियो के खात्मे ही लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से जो उन्होंने कलाम किया है तालीम दी है आगे क्या लिखा है कलाम सुनने के बाद फिर क्या हुआ जब उसने और जब उसने अपने घराने समेत एक शख्स खातून और घराने समेत बपतिस्मा लेकर बपतिसमा लिया तो मिन्नत करके कहा अगर तुम मुझे खुदामद की बंदी समझते हो तो चल कर मेरे घर में रहो बस उसने उन्हें मजबूर किया प्यारे अजीजों प्यारे बहनों भाइयों हमने देखा कि मसीह की मोहब्बत नजात यहूदियों के लिए यूनानियों के लिए मर्दों के लिए औरतों के लिए शख्स तौर पर खानदानी तौर पर कम्यूनिटी के लिए है और क्या यस्सु मसीह आज भी ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ गुर सिमरन जीत सिंह हैं सिंह साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं कैसे हैं आप बहुत बढ़िया डॉक्टर डैनियल खुदा आपको आशीष दें और खुदा का फजल आप पे हमेशा क्लियर रहे बहुत शुक्रिया यही मेरी दुआ आपके लिए भी है जी जी कीजिए बात और मैं शुक्रिया करता हूँ जिंदगी टीवी का जिन्होंने मुझे खुदा के इस कलाम को दुनिया तक पहुंचाने के लिए कि मेरी जिंदगी में क्या क्या हुआ उसके बारे में मैं धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं और बहुत ज्यादा थैंक्स करता हूं जिंदगी टीवी बहुत शुक्रिया हम भी खुदामंद के नाम को जलाल देते हैं वो खुदा है जिसने ये टीवी रखा है जिसने आपको निजात दी मुझे निजात दी और बहुत से दीगर चैनल्स भी पूरी दुनिया में यसु मसीह खुदा के बेटे का प्रचार कर रहे हैं और यह सब उसका फ़ज़ल है उसका करम है कि वो ज़िंदगी टी वी को आपको मुझको दुनिया में मुख्तल लोगों को चैनल्स को अपनी मोहब्बत और अपनी निजात और अपनी शिफा का पैगाम पहुँचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है उसी को सारा जलाल मिले सो मैं चाहूँगा कि आप हमें थोड़ा सा ये बताइए आपका ख़ानदान परिवार और मज़बी जिंदगी कैसी थी और फिर हम बात को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो मेरा जन्म इंडिया पंजाब में हुआ और मैं एक सिख फैमिली में पैदा हुआ सरदार फैमिली में हमारा जो विश्वास वो गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर है और हम उसी से चलते थे घर में पाठ करते थे पाठ करवाते थे मेरे दादाजी मेरे ग्रैंडफादर खुद एक बड़ा अच्छा पाठ करने वाले थे और मेरा भाई भी बहुत अच्छा ज्ञानी था पाठ करता था तो ऐसी हमारी जिंदगी चल रही थी वही पूजा पाठ करना तीर्थों के ऊपर जाना और वही कीर्तन वगैरह जो भी हम जो बचपन में लोगों के जो फ्यूचर में जो होना होता है जो उसका जो पास्ट होता है वो उसके जीवन में आगे आता है वो जो हमें बताते थे हमारे जो करते आए वो चीजें हम अपने जीवन में कर रहे थे ऐसे ही हमारे जीवन में चल रहा था बहुत शुक्रिया आपने ये हमें बताया है अब मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि यसु तक आने का सफर कब और कैसे शुरू हुआ आ, कब शुरू हुआ कैसे शुरू हुआ क्या हुआ था जी यीशु मसीह के पास आने का जो सफर था वो ऐसा हुआ कि मेरा एक दोस्त था उसके बच्चा नहीं था कोई तो जब उसके बच्चा नहीं था तो वो कहता मैं चर्च जाता हूँ तो मैंने उन्हें बोला कि अगर तुम चर्च जाते हो तू तो, तो गुरुद्वारे जाता है तो तेरे को चर्च नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो लोगों का धर्म बदलते हैं वो पैसे देते हैं तो ऐसी चीजें मेरे मन में जो लोगों के मन में थी जो लोगों ने बताई थी वो मेरे मन में चलती थी तो मैं उसको मना करता था वो एक दिन क्या हुआ वो मेरे पास आए मैंने नई गाड़ी ली थी तो मेरे को बोलता कि भाई मेरे को आपकी गाड़ी चाहिए मैंने क्या क्या करना कहता है मैंने प्रेयर करवानी है पास्टर जी से तो जेलसी मेरे को जलन तो थी उनसे पहले ही कि इसके साथ ऐसा कर रहा है वो क्योंकि मेरे को ऐसा था कि जिसके साथ होता है ना कोई प्रॉब्लम होती है तो बहुत सारे लोग जो इस दुनिया के हैं वो क्या करते हैं उसकी प्रॉब्लम का फ़ायदा उठाते हैं उससे पैसे ले, ले लेते हैं और उसकी जो किसी चीज का सोल्यूशन तो होता नहीं ऐसे ही उसके साथ भी हो रहा था तो मेरे को गुस्सा आया कि मैं देखता हूँ कि ये कौन सा पास्टर है और कौन सी चीज है उसके पास जिसके द्वारा तेरे वो बच्चे हो जाएंगे तो मैं उसके साथ चला गया झगड़ा करने के लिए मैं पास्टर को पूछता हूँ कि हमारे परमात्मा में क्या नहीं है और तेरे परमात्मा में क्या है कि तू कैसे इसके साथ ऐसा कर सकता है तो उसके बाद क्या हुआ जब वो प्रेयर कर रहे थे तो प्रेयर करते करते उनके जो पासद जी हैं तो उनके परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर आया तो वो एक अलग भाषा में बात करने लगे तो मैं सोचा मैंने कहा ये तो कोई नाटक कर रहे हैं जिसकी भाषा को हम जानते ही नहीं हैं इसके ये पता नहीं क्या कर रहा है तो उसने बोला कि मैं मसीह का आत्मा ये कह रहा है कि तेरा बच्चा होगा तो मेरा दोस्त बोलता है कि सभी बोलते हैं बच्चा होगा मेरे हुआ तो है नहीं लेकिन वो पाशाह बोलते कि खुदा का कलाम झूठ नहीं बोलता तेरी एक नहीं दो होंगे तो उसके लिए ये भविष्यवाणी हुई उसके लिए तो मैं सोच रहा था कि यी तो 2000 साल पहले जा चुके हैं इसके बीच में कैसे बात कर सकते हैं तो जो पाशाहबान थे वो मेरे को नहीं जानते थे उन्होंने मेरे को आवाज लगाई उन्होंने नहीं लगाई वो यीशु मसीह ने लगाई मेरे को पता है को मेरे को एक अजीब सी आवाज आई और बोला कि तू जो पीछे बेटा खड़ा उसको बुलाओ तो मैं उसके सामने जब गया तो उसने मेरे को बोला कि तू तो सोच रहा है कि मैं 2000 साल पहले चला गया बल्कि ये मेरे को बड़ी अलग बात लगी कि मेरी मन की बात कौन बता सकता है तो इतनी लाइट और इतनी रोशनी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी आज तक बल्कि जो सूरज है ना जो सन है वो उसके सामने एक एक रेत के कनके के समान है उस लाइट के सामने जो मेरे साथ हुआ

क्योंकि जब मैं जो चीजें मैं सोच रहा था वो एकदम मेरे स... जी आपने कहा कि जिसे मैं ढूंढ रहा था <laughs> तो ये मैं चाहूंगा कि आप क्या ढूंढ रहे थे मुख्तसर तौर पर थोड़ा सा बताइए ना जाने कितने लोग दुनिया में होंगे जो आप ही की तरह ढूंढ रहे हैं तो मैं ये ये ढूंढ एक तो मैं ढूंढ रहा था कि वो कौन है बनाई ये जो दुनिया बनाई है ये जो आलम रचा है ये वो, वो कौन है ठीक है एक बात क्योंकि लोग, बो, आ, लोग बोलते खुदा एक है अगर खुदा एक है तो वो जो इतने सारे इस दुनिया में है वो कौन है ये मेरा क्वेश्चन था अब आप ये बताइए फिर आपको इसका जवाब मसीह में कैसे मिला ये बताइए मसीह में सर ऐसा मिला कि एक तो वो है जो वो मन की बात जानता है और दूसरी बात यह है कि जो लाइट लोग बोलते हैं आंखें करने से दिखती है ये भक्ति करने से मिलती है वो लाइट कैसे आ सकती है आपके सामने एक पल में जिसे आप जानते नहीं हो वो कैसे आपको ऐसे आपके सामने प्रगट हो सकता है लेकिन वो उसके सामने प्रगट होता है जिसे वो चाहता है जिसे वो प्यार करता हो जिसे वो दिल से देखता है कि जैसे जकई वो देखना चाहता था यीशु को उसे वो दिख गया जी यहाँ पर, तो पर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस बात के साथ ही आपकी बात चूँकि मैं बाइबल का तालब इम हूँ और मेरा फ़र्ज है कि मैं बातों को बैलेंस करके बताऊँ अब आप कह रहे हैं वो वही उसी को नज़र आता है जिसके अंदर ख्वाहिश होती है ठीक है लेकिन इसके साथ मैं ये भी बता दूँ कि पालूस रसूल को ख्वाहिश नहीं थी पालूस रसूल क्लीसियाम को सताने वाला था वो तो मारने के लिए जा रहा था यसू को देखने की ख्वाहिश नहीं थी लेकिन सु मसीह उस पर भी ज़ाहिर हुए तो मैं चूंकि मेरी ये जिम्मेदारी है खुदामंद के कलाम का तालब इलम होते हुए कि मैं बातों को लोगों के सामने बैलेंस करके रखूँ तो यसु मसीह उन लोगों तक भी पहुंच जाते हैं जो कलीसिया को सताने वाले हैं जो यसु मसीह को दुश्मन आ, ये लफ्ज जो मैं इस्तेमाल करूँ दुश्मनी कलीसिया के साथ रखने वाले हैं तो खुदामंद जानता है कि किसके लिए क्या बेहतर है और वो उसी तरह से पूरी दुनिया के लोगों पर अपनी मोहब्बत की जो बारिश है वो बरसा देता है बिला इम्तियाज चाहे किसी के अंदर ख्वाहिश है उसके लिए भी और चाहे उसे सताने वाला है उसके लिए भी लेकिन यहां पर अच्छी बात यह होगी कि अगर हमारे अंदर उसे चाहने की ख्वाहिश हो तो ज्यादा बेहतर बात है तो अब तो बात। <laughs> अब आप बात को जारी रखिए यहीं से यीशु मसीह सवाल का जवाब बन गया कि वही है दुनिया को बनाने वाला तो अब आप ये बताएं कि ये जो लोग सारी दुनिया में मुख्तलिफ खुदाओं को मान रहे हैं इस वक्त आप उनको आज क्या कहेंगे ताकि वो जो अरसा उन्होंने जाया करना है वो जाया करने से बच जाए क्या कहेंगे उन लोगों को ये बताइए बस इसी बात पर रहिएगा जो मैं आपसे पूछू उसका जवाब दीजिए ताकि हम थोड़े वक्त में ज्यादा से ज्यादा जो सवालात हैं आपकी जिंदगी के और लोगों की जिंदगी के मसीह जवाब है ये बेहतर तौर से लोगों तक पहुंचा सकें तो ये बात बताइए अब उन लोगों को क्या कहेंगे क्या करें वो मैं तो यह चाहता हूं कि बचन में लिखा हुआ है जो खुदा का कलाम है वो कहता है कि सच्चाई को जान सच्चाई तुम्हें तो आजाद करेगी अगर हम आजादी लेना चाहते हैं और इस संसार से जो ये जो आलम है जिसको पता ही नहीं है कि हमने जाना कहाँ है तो अगर वो चाहता है कि मुझे निजात मिले मुझे वो चीज मिले जो मैं चाहता हूं तो उसके लिए उसको यीशु मसीह को जानना बहुत जरूरी है बहुत ज्यादा जरूरी जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है खुदा के साथ चलते हुए वो ये चीज देखी है कि यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है और यीशु मसीह कोई इंसान नहीं है वो चीज है जो हमें खुदा से मिलाती है जी बहुत शुक्रिया वो खुद वो खुद खुदा है सिंह साहब जो बात कह रहे हैं कि जानना जरूरी है ये मैं आपको युहाना की अंजील के सत्रह बाब में सेवनटीन चैप्टर और उसकी तीसरी आयत यही बात जो कर रहे हैं वाजे है और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहाक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने तो जबरदस्त बात सिंह साहब ने की है तो अब आप यह बताइए कि यीशु मसीह को आपने खुदामंद कैसे कबूल किया क्या किया था आपने यह बताइए तो जब मेरे से यह बात हुई तो मैं घर में आके बोला कि मैं चर्च जाऊंगा तो मेरे वाइफ

ही वाज ए डैड ये मर चुके हैं तो तभी मेरा दोस्त जिसके बच्चे होने थे जो मेरे को चर्च जाने के लिए कन्विंस करता था उसका फोन आ गया कि चर्च नहीं जाना तो मैंने बोला कि चर्च क्या जाना चर्च के लिए तो मैं तैयार हो रहा था तो मेरे पापा को हार्ट अटैक हो मैं पीजेआई में हूं तो उसने बोला कि तू दुआ क्यों नहीं करता तू प्रार्थना क्यों नहीं करता तू प्रयर क्यों नहीं करता तो मेरे को करनी नहीं आती थी क्योंकि जो इंसान एक संडे चर्च गया उसको प्रार्थना क्या करनी आएगी बिल्कुल नहीं आती तो वो चीज जो मैंने लाइट देखी थी रोशनी देखी थी वही चीज को मैं मद्देनजर रखते हुए तो मेरे को लड़का वो बोलता है कि फोन ऑन करके पापा के कान के ऊपर स्पीकर ऑन करके रख दो हम प्रार्थना करते तुम भी करो तो उसने प्रार्थना करनी शुरू कर दी तो मैंने एक बात ये बोली कि यीशु सी अगर तू तो जिंदा है तो मेरे पापा को ठीक करके दिखा तो थोड़ी देर में क्या हुआ मेरे पापा का जो हाथ है वो उसने मेरे हाथ को पकड़ा तो मैंने डॉक्टर को बोला कि मेरे हाथ को पकड़ा वो कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं होता ये किताबों की बातें हैं तो फिर मैं रुक गया उसके बाद एक डॉक्टर और आया मेरे को लगता वो इशूम से नहीं भेजा होगा तो वो मेरे पास आके बोलते क्या हुआ मैंने बोला कि ऐसी ऐसी बात है भी ऐसा हुआ तो वो बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं इसको आप इसी जी करवा के आओ दोबारा एक बार जब मैं दोबारा इसी करवाने गया तो उन्होंने बोला कि इसी करवा के आओ लेकिन पेशेंट को वही छोड़ देना तो मैं पापा को वहां छोड़ के करा के जब मैं डॉक्टर के पास गया तो वो जो डॉक्टर था उसने बोला कि पेशेंट है तो मैंने कहा पेशेंट तो वहां लेकर आओ जल्दी जब मैं पापा को लेने गया तो मेरे पापा उठकर बैठे थे और टिल डेट ये दो की बात है और आज दो बीस हो गया और मेरे पापा आज भी जिंदा हैं और जो पापा ने बातें बताई जो मैंने लाइट देखी रोशनी देखी वैसी एक लाइट वैसी एक रोशनी पापा बोलते कि एक इंसान है जिसके बीच में से रोशनी निकलती है उसकी उसमें से एक फुटबॉल की तरह एक रोशनी आई वो मेरी छाती में घुस गई और वो बोलता मैं मसीह हूं और मैं तुझे जीवन देता हूँ यही तो मैं मैं... भाई यहीं पर मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकूंगा अहले इस्लाम का ईमान यसु मसीह जिंदा है मसीहों का ईमान यसु मसीह जिंदा है लाजर चार दिन का मुर्दा है यस्ु मसीह कहते हैं निकला और सिंह साहब आज के दौर में जो बात मैंने शुरू से आपके सामने रखी आफताब सदाकत ताले होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी मेरे अजीजों बहनों भाइयों बच्चों बुजुर्गों पूरी दुनिया में देखने और सुनने वालों आफताबे सदाकत ताले हुआ वो इस जमीन पर आया हमने खुदा की कुदरत का जहूर उसके वसीला से देखा और आज वो जिंदा है और वही यीशु मसीह जो लाजर को जिंदा करता है आज हम देख और सुन रहे हैं कि समरजीत सिंह के वालत सिंह साहब ने क्या कहा यीशु अगर तू जिंदा है तो मेरे वालिद को जिंदगी दे। एक शख्स जो चर्च जाने लगा है जो यीशु मसीह से प्यार करने लगा है जिस पर यीशु मसीह ने अपनी जात का फरमाया, उसको अपनी से, अब उसके खानदान में मौत का हमला है यीशु जिंदगी देता है उसने फरमाया था मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ और वो जो अनाजील में मुर्दों को जिंदा करता हुआ नजर आता है आज मैं उसका खादिम होते हुए आपके सामने ये गवाही जो हमारे सबके सामने है आप सबको दावत दे रहा हूं खुदा का बेटा है वो मुजस्सम खुदा है जो कि जिंदगी सिर्फ खुदा ही दे सकता है और यीशु मसीह आज भी मुर्दों को जिंदा करता है चूंकि वो जिंदा है अगर आप उससे बतौर खुदा वाकिफ नहीं हैं तो आप उसे पुकार कर देखिए वो आप पर जाहिर कर देगा कि वो कौन है आप शायद उन्हें एक अच्छे उस्ताद के तौर पर जानते हैं एक बड़े अजीम पैगंबर के तौर पर जानते हैं लेकिन आज मिस्टर सिंह से हम बात कर रहे हैं कि वो नजात दहिंदा है वो आज भी मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है क्यों इसलिए कि मेरे खुदामंद यस्सु मसीह की कब्र खाली है उसने बता दिया दिखा दिया मुर्दों में से जिंदा होकर कि मेरे पास ये कुदरत है मत्ती की अंजील के आखिरी बाब में आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है और वो इख्तियार आज आप देख और सुन रहे हैं सिंह साहब अब आपके वालद जिंदा हैं आपने निजात पाई तो आपके बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगा फिर आपके खानदान के लोगों की क्या हालत है वो आज कहा हैं आपके निजात पाने से चूंकि लिखा है कि तू ईमान ला तेरा घराना भी निजात पाएगा तो थोड़ा सा बताइए। उसमें ऐसा है कि जब कोई बंदा मसीह में आता उसका बहुत ज्यादा विरोध होता है और मेरा भी हुआ जाहिर होना था तो जब मेरा विरोध हुआ सबसे पहले विरोध मेरा <coughs> किया मेरे ब्रदर ने मेरे भाई ने क्योंकि वो अमरधारी था और वो बानी पड़ता था तो उसने बोला कि तू तेरे को कितने पैसे मिले हैं तो मैंने उसको बोला कि ऐसी बात नहीं है कि जो चीजें मैं बोलता था वो तू बोल रहा है कि मैं ऐसा कुछ नहीं है तो ईश्मू सी पैसा नहीं देता ईश्मू सी तो जिंदगी देता है hmm. और जो किसी पैसे से नहीं मिलती और इस चीज़ को तू देख चुका है कि हमारे फादर के साथ क्या हुआ hmm. तो मैं तो लोगों को बताता हूँ मेरे घर में लाजर रहता है भाई आज भी जिसने देखना तो वो देख ले लिया तो आ, उसके बाद वो क्या हुआ तो उसके साथ मेरा आर्गूमेंट होता था तो मैं थोड़ा साइड चला जाता था तो मेरे से छोटा था तो मेरे को ये होता था कि झगड़ा ना हो क्योंकि प्रभु सी बोलते हैं कि प्रेम प्यार करो बस प्रेम करो और कुछ ना करो तो एक दिन वो रात को सोया सोया हुआ था रात को तो सोया हुआ था तो मेरे पास वो आया मेरे को बोलता है कि तू मेरे को आवाज लगाई मैंने कहा मेरे तो मैं तो तेरे को नहीं बुलाया तो फिर वो फिर वो एक बार उठ के आया तो मैंने मैंने सोचा कि ये मेरे साथ झगड़ा करना चाहता है रात को तो फिर मैंने मैं अपना कमरा जब बंद करने लगा तो मेरे को बोलता फिर मैं उसके पास गया मैं कहा उसका नाम कुलविंदर है तो मैंने बोला कि कुलविंदर अगर आपको अब आवाज आई ना तो बोलना कि मैं सुन रहा हूं आप कौन हो ये बात बोल देना तो उसने वही बात हुई जब वो बोला उसको आवाज आवाजी उसने बोला कि आप कौन हो तो उसने बोला कि मैं यीशु मसीह हूं और मैं चाहता हूं कि तू बाइबल स्टडी कर तो उस रात को मैं जानता हूं उसकी क्या हालत हुई होगी वो मेरी आंखों के सामने आ रहा वो सीन वो इतना डर गया तो वो कहता कि बाइबल स्टडी कहाँ होती है तो मैं भी नया नया था मेरे को भी नहीं पता था कि बाइबल स्टडी कहां होती है तो फिर मैंने पता किया कि बाइबल स्टडी कहां होती है तो मैंने को बोला कि मैं यीशु मसीह की आवाज तेरे को आई है तो कहता तू बोला होगा तो नहीं नहीं बोला उसके सिर्फ को... एक सेकंड मुझे दीजिएगा बड़ी माजरत के साथ जी। मैं पूरी दुनिया <laughs> के अपने मुसलमान बहन भाइयों से और मसीहों से भी मोहम्मद अली मिर्जा रिसर्च स्कॉलर हैं वो कहते हैं कि यसु मसीह वाहिद हैं जिनके वसीला से खुदा कलाम करता रहेगा और अभी आपने ये गवाही सुन और देख रहे हैं कि भाई को आवाज आई कि बाइबल स्टडी कर यीशु मसीह आपसे भी हम कलाम हो सकते हैं सिंह साहब अब मैं चाहूंगा कि आप मुख्तर तौर से दो या तीन मिनट में ये बताइए कि अब आपका जो पूरा खानदान है वो जी। कैसे मसीह पर ईमान लाए और किस तरह से खानदान बाबरकत हो चुका है बस ये तीन मिनट में आपको दूंगा चार मिनट में बताइए जी तो उसमें ऐसा है कि आज मेरा वो भाई जिसके बारे में बात कर रहा था जो वो पार्टी था आज वो एक रेमो कॉलेज है अमेरिका का वहाँ से बाइबल स्टडी करके वो एक पास्टर है तो उसके अलावा मेरा पूरा परिवार प्रभु में है मेरी बहनें हैं वो मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जो अभी प्रभु में हैं और प्रभु में आके हमने बहुत सारी आशीषें पाई हैं बल्कि अगर मैं मांगू तो उससे मांगू क्या अब मेरे लिए कोई चीज़ रह ही नहीं गई कि मुझसे ये चीज़ मांगू मैं जिसको बोलते हैं मैं गल गले तक भर गया तो यहां तक मेरे खुदा ने मेरे को भरा है और सबसे बड़ी बात मेरे को वो चीज दी है खुदा बंद प्रभु यीशु मसीह ने जो किसी पैसे से नहीं मिलती कोई धर्म नहीं देख सकता यहाँ तक कि अगर मैं अपने नाम के पीछे मसीह लगा लू तब भी मेरे को वो निजात नहीं मिलेगी जो मुझे खुदा बंद यीशु मसीह के कलाम के साथ चलने में उसके ऊपर विश्वास करने से और उसको जानने से जो मुझे मिली है जो वाहिद जीवन जो सदा का जीवन परमेश्वर देता है यहोवा देता है खुदाबंद देता, देता है, वो हमें मिल चुका है यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मुझे मुझे उसने याद किया और अपने फजल से मुझे निजात दी बहुत शुक्रिया आपका पूरा खानदान और आपके अजीज इस वक्त यीशु मसीह के पैरोकार हैं खुदाबंद आपको लंबी जिंदगी दे अगर यही वक्त हो आपके पास कि पूरी दुनिया को आपने बताना है तो आप क्या बताना चाहेंगे ये आपको मैं दो मिनट दूंगा दो मिनट में आप बताइए यही वक्त हो और आपको पूरी दुनिया को बताना हो कोई ऐसी बात कि सिर्फ आपके पास अब आप वक्त नहीं है तो आप बताना चाहते हैं क्या बताना चाहेंगे मैं यही बताना बताना चाहता हूं कि जिस चीज जिस चीज को आप ढूंढ रहे हो वो चीज़ यीशु मसीह के पास है दुनिया की हर एक चीज जो आपको चाहिए वो ही सिर्फ ही और सिर्फ यीशु मसीह के पास है और जो जीवन है जो लाइफ है क्योंकि उत्पत्ति में मैंने देखा है जो जेनसिज है उसमें अंधेरा था परमेश्वर का आत्मा मंडराता था वहां से उसने बोला जीवन लाइफ खुदा के पास वो ताकत है वो अंधेरे से आपको जीवन देता है जो अंधेरा है जो पाप का जो सिंह का अंधेरा है उसमें से अगर आप जीवन ढूंढ रहे हो तो खुदा बन के पास है और खुदाबन के पास आओ मैं तो कहता हूं कि उसको चक्कर देखो खुदा का कलाम कहता है कि खुदा को चक्कर देखो वो कितना भला है मैंने चखा है क्योंकि जब तक हम किसी के घर का खाना ही नहीं खाते हम कैसे बता सकते हैं कि इसका टेस्ट क्या है अब खुदा बन को जानो एक बार उसको चक्कर देखो वो कहता क्या है और वो झूठ नहीं बोलता वो कहता कि मैं कोई इंसान नहीं हूं मैं खुदा हूं जिसने ये सृष्टि बनाई है और वही सृष्टि करता है अगर वो पूरे आलम को बनाने वाला है तो क्यों ना हम उसको जाने और उसको अपने जीवन में वो कार्य करने दे वो काम करने दे जिस जो वो हमारे जीवन में चाहता है बहुत शुक्रिया यसु मसीह को वो काम करने दे जो वो आपकी जिंदगी में कर सकता है ऐसा ही एक वाकया हमें मिलता है अमाल की किताब में और यहाँ पर लिखा है कि पालूस रसूल और उनके जो साथी हैं कैद में हैं और वहाँ पर एक सूबेदार है एक अफसर है अगर ये पढ़ना चाहें आप तो अमाल की किताब के सोल में बा में पढ़ सकते हैं उसका एक सवाल था और उसने ये सवाल किया उसने कहा ऐ साहिबो मैं क्या करूं कि निजात पाऊँ गुनाहों से रहाई हमेशा की ज़िंदगी पाऊं ये सवाल उसने किया तो जवाब क्या था उन्होंने कहा खुदामंद खुदामंदु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात देखा समरन जीत सिंह साहब खुदा पर ईमान लाए पूरा घराना निजात पा गया सवाल ये था मैं साहेबों मैं क्या करूं के नजात पाऊं क्या आज आ, मैं सिंह साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूं आपने वक्त निकाला कोई बात और करना चाहेंगे एक मिनट में आपको दूंगा कोई और बात आप करना चाहते हो तो जरूर कीजिए एक मिनट में फिर एक, मैं एक सुंदर गवाही थोड़ी <coughs> मैं आपको बताता हूँ एक मिनट में बात ऐसे ही हाँ जी ऐसे ही मेरा एक दोस्त था उसके साले के बच्चा साली के बच्चा होना था तो उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं बनी थी तो आ, मैंने उसको बोला कि एक परमेश्वर है जो ये सारा काम कर सकता है लेकिन तेरे को उस को पर ऊपर ईमान लाना पड़ेगा वो परमेश्वर के यीशु के ऊपर ईमान लाया उसने प्रार्थना की तो उसके जो अल्ट्रासाउंड है वो मैंने रखे हुए हैं मैंने गिराई नहीं वो वो प्रूफ मैंने रखा हुआ है कि तीन महीने के बच्चे की जो बैक बोन है रीढ़ की हड्डी नहीं है लेकिन सिक्स मंथ बाद जब वो डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गए तो डॉक्टर बोलता कि ये तो बेवकूफी है तूने इसका अबॉर्शन क्यों नहीं करवाया तो वो बोलता है कि अपनी को क्या खिलाया कि इसकी रीढ़ की हड्डी बन गई तो उसने बोला कि मैं मसीह के ऊपर ईमान लाता हूं क्योंकि मेरा ईमान इसलिए बना क्योंकि मेरे पिता को उसने जिंदा किया था वही ईमान मैं उसके अंदर लेकर आया कि वो उसके ऊपर करे तो उसका बेटा दो साल का है और बड़ी तंदुरुस्ती तंदरुस्ती है और बहुत बड़ा मेरे बहुत बड़ी गवाही उस बच्चे के जीवन में उसका घराना भी निजात पा चुका बहुत है। शुक्रिया तो ईमानदार तो तेरा घराना निजात पाएगा निजात पाएगा। ने फरमाया आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है मुझे पुकारो मैं तुम्हें जवाब दूंगा सिंह साहब बहुत शुक्रिया आपका आप साथ शरीक हुए फिर भी कभी आपके साथ प्रोग्राम करेंगे प्यारे अजीजों बहनों भाइयों आप देख और सुन रहे हैं तू ईमान ला तो तेरा घराना भी नजात पाएगा आपने बाइबल की सदाकतों से वो सच्चाइयां सुनी हैं और फिर उनका अमली ज़हूर आपने मिस्टर सिंह की जुबानी देखा और सुना आपके सामने यीशु मसीह आप सबसे प्यार करते हैं उनकी कुदरत उनकी मोहब्बत उनकी शफ़त सारी दुनिया के लिए तमाम इंसानों के लिए तमाम जमानों के लिए है क्या आप उनको पुकारेंगे क्या आप और आपका घराना और आपके अजीज़ आपकी कम्युनिटी हमेशा की जिंदगी पाने के लिए उन पर ईमान लाएंगे वो जिंदा हैं आप एक दफ़ा उनको पुकारिए वो आपकी बात सुनेंगे वो मिस्टर सिंह की तरह उसके भाई की तरह आपको विजिट भी कर सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह जिंदा हैं आप पुकारिए बरकतें आपके मुंतजर हैं चूंकि यीशु मसीह आपके लिए भी ऐसा ही बल्कि इससे बढ़कर कर सकते हैं जो उन्होंने मिस्टर सिंह की जिंदगी में किया अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी इजाजत चाहते हैं आपका मेज़बान दानियाल